हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट एक्सरसाइज 4.4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये नीचे की जो सिचुएशन गिवन है ये पॉसिबल है? इफ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब टू फ्रेंड्स हैं, उनके एज की सम 20 इयर्स है। 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। तो अब हमें वो सिचुएशन फाइंड करनी है। देखिए, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? देखिए, दोनों की एज का सम कितना है? 20 इयर्स। और मतलब फर्स्ट की एज हमने एक्स लेट कर ली है, सेकंड की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, बिकॉज सम कितना है? 20, इसलिए वन की एक्स है, तो सेकंड वाले कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। अब उसने कहा है कि इनकी जो एज का प्रोडक्ट है 4 इयर्स एगो, वो कितना है? 48। अब हम 4 इयर्स एगो की बात करते हैं। नाउ 4 इयर्स एगो, अगर हम 4 ईयर एगो की बात करेंगे तो वन फ्रेंड की एज कितनी होगी? एक्स माइनस 4। और सेकंड फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी? सेकंड फ्रेंड एज ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, मीनिंग 16 माइनस एक्स। अब इनका जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है? 48। सो कैसे करेंगे? मतलब एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है? 48। सो कैन वी फाइंड? अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक्स से 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से 16 माइनस एक्स की करेंगे, मतलब एक्स से 16 माइनस एक्स की करेंगे और माइनस 4 से 16 माइनस एक्स की करेंगे। तो देखिए, सिंपल वे में बताता हूँ आपको मैं। एक्स से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 माइनस एक्स की। माइनस 4 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 16 माइनस एक्स की, इक्वल्स टू 48। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए। 16x ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो ये तो है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 16x है और ये प्लस 4x है, ये हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64 और ये माइनस 48 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और 48 आपका हो जाएगा 8 4 12 2 carry 1 6 4 10 1 11 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, माइनस शुरू में आ रहा है तो हमें इसमें से माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ओके, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हमें 112 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 20 आ जाए। तो क्या हम कर सकते हैं 112 के फैक्टर? देखिए, 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे तो 28, अगेन 2 से करेंगे 14, एंड अगेन 2 7, 7 से। ओके, तो देखिए, क्या हम प्लस करने पर 20 ला सकते हैं? देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14, सो 14 और 8 22 होंगे, 20 आया ही नहीं हमारा। अब और कुछ चेक करके देखते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 एंड 7 23। तो देखिए, ऐसे अगर हम इसके फैक्टर करते हैं और डाउट अगर आपको लगे तो सिंपली ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ए कितना आ जाएगा? 1, और बी कितना आ जाएगा? माइनस 20 एंड सी 112। तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है? माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 1 और सी है 112। देखिए, माइनस 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 112 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 448। देखिए, अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस 48 आएगा, इट्स मीन लेस देन 0 हो गया। अगर लेस देन 0 हो गया सो रूट्स आर नॉट रियल। इट्स मीन अगर रूट्स रियल नहीं है सो वी कैन नॉट फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो वी कैन नॉट
फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ओके, हम उनकी प्रेजेंट एज फाइंड नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे में करेंगे आप इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है. सो देखिए, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? तो पेरीमीटर 80 मीटर के बिना, सो लेट करेंगे, लेट लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी. लेंथ एल हो गई और ब्रेथ बी हो गई. अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 80 क्यूबिन है. वैसे एक्चुअली हम ऐसे लिख लेते हैं तो लेफ्ट साइड में उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b होता है इक्वल्स टू 80. सो 2l + b है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो l + b कितना हो जाएगा हमारा 80/2, दैट इज 40. मतलब l + v की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 40 मीटर. नाउ एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 400 मीटर स्क्वायर है. सो होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी कितना हो जाएगा 400. तो अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है. तो यहां से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू अगर हम फाइंड कर दें 40 - b, तो ये वैल्यू अभी हम यहां पर प्रोडक्ट कर देंगे. सो एल की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू 40 - b. ओके, तो यहां पर 40 - b हो जाएगा, इनटू बी ऑलरेडी है इक्वल्स टू 400. सो बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40b - b² इक्वल्स टू 400. ओके, अब ये हो जाएगा -b², ये प्लस 40b - 400 इक्वल्स टू 0. ओके, अब माइनस साइन से डिवाइड कर देंगे तो b² - 40b + 400 इक्वल्स टू 0. तो देखिए इसके फैक्टर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज 400 है, प्लस करने पर 40 लाना है. तो या तो हम वही b² - 4ac से कर सकते हैं. अगर सिंपली फैक्टर हो रहे हैं तो हम फैक्टर कर सकते हैं. ओके, सो देखिए कितने हो जाएंगे यहाँ पर 400 के, कितने हो जाएंगे 20 + 20. तो b² - इसको हम ले सकते हैं 20 + 20b + 400 इक्वल्स टू 0. सो b² - 20b - 20b + 400 इक्वल्स टू 0. बी कॉमन लेंगे तो b - 20, इसमें से -20 कॉमन आएगा तो b - 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. ओके, सो b - 20 दोनों में से कॉमन आ रहा है और यहाँ से बचेगा b - 20, ये b और ये 20, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0. इट्स मीन b - 20 = 0, दैट इज b = 20 हो जाएगा, एंड b - 20 = 0, दैट इज b = 20 हो जाएगा. ओके, इट्स मीन ब्रेथ हमारे पास क्या है 20. सो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, लेंथ थी हमारे पास l और ब्रेथ क्या है हमारे पास 20. अच्छा, लेंथ हम फाइंड करनी पड़ेगी. तो लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 40 - b आया था हमारे पास l. सो 40 - 20, तो ये हो जाएगा 20. इट्स मीन लेंथ भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, मीटर, और ब्रेथ भी हमारे पास 20 मीटर है. सो वी कैन से दैट इट इज ए स्क्वायर. हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर सेम आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक स्क्वायर होगा. दैट्स इट. सो थैंक यू.